पूरी दुनिया में चुनाव के कुछ नतीजे आ रहे हैं और मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं और खासकर बैकवर्ड दलित पिछड़े समाज के लोगों को ग्लोबली न्यूज से भी वाकिफ रहना चाहिए। सोचिए, ईरान में कट्टरपंथी हारे हैं जो राइट विंग हैं, आज फ्रांस में भी कट्टरपंथी को चुनाव हरा दिया वहां की जनता ने, उसके बाद ईरान में भी कट्टरपंथी हारे हैं, फ्रांस में भी कट्टर हारे हैं। और ऋषि सुनक का क्या हुआ, उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड में बाहरी लोगों को नहीं आने देंगे, तो उनका भी बोरिया बिस्तर सिमटा गया है। कहा जा रहा है कि पुतिन के ऊपर भी बहुत दबाव है, इसलिए उन्होंने गप मारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुला लिया है। लेकिन मैं बात आज पुतिन, रसिया, फ्रांस, ईरान या इंग्लैंड की नहीं करूंगा, मैं आज बात करूंगा भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए और इसके पीछे कौन लोग हैं और किनका स्वार्थ इतना बड़ा था कि उन्होंने देश की चिंता नहीं की, दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यक की चिंता नहीं की, संविधान की चिंता नहीं की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में हैं तो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार जो शख्स है वो राहुल गांधी पहला, दूसरा ममता बनर्जी, तीसरा अरविंद केजरीवाल। पूछिए क्यों? नीतीश कुमार नाम याद है? जैसे आज तमाम सो कॉल्ड लिबरल लोग, कांग्रेसी और खासकर किसी भी पार्टी के जो सवर्ण नेता है वो कहते हैं कि मायावती जी की पार्टी बी टीम है, उनके लिए बात कह रहा हूं। आप सोचिए किस तरह से पिछले 10 साल में बीएसपी बी टीम है, बी टीम है, बी टीम कह के प्रचारित किया गया, लेकिन सच्चाई है कि आज मैं खासकर अल्पसंख्यक समाज से कहना चाह रहा हूं, सच्चाई यह है कि आज बीजेपी सत्ता में है और नरेंद्र मोदी सत्ता में है तो इसके लिए राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। और अगर इन लोगों ने नीतीश कुमार की बात मान ली होती तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर होते। और ये बात खुद पप्पू यादव ने भी कहा है। हुआ क्या था, नीतीश कुमार आरजेडी के गठबंधन में थे और उन्होंने देश भर में गठबंधन बनाने की कोशिश की, सेकुलर गठबंधन, सोशल जस्टिस वाला गठबंधन। और नीतीश कुमार के टच में उस समय नवीन पटनायक भी थे, नायडू भी थे, यहां तक कि ममता वो मायावती जी से भी मिलना चाहते थे, उस पर बाद में बात करूंगा। मायावती जी से क्यों नहीं मिलने दिया गया, किन लोगों ने रोका वो भी बताऊंगा। तो नीतीश कुमार ने एसजी देवगौड़ा के साथ भी उनकी बातचीत हो गई थी, नवीन पटनायक के साथ ही बात ही हुई थी, जगन मोहन रेड्डी के साथ वो नहीं गए थे, चंद्रबाबू नायडू उनके टच में थे। उसके बाद ममता बनर्जी से वो मिले, अखिलेश यादव से मिले, खड़गे से मिले और पहली बैठक उन्होंने अपने घर पर कराई, अपने मुख्यमंत्री आवास पर, और तय हुआ कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक गठबंधन काम करेगा, जैसे आज फ्रांस में गठबंधन ने कट्टरपंथियों को हराया है। लेकिन सोचिए, राहुल गांधी का स्वार्थ इतना बड़ा था, प्रधानमंत्री बनने का सपना इतना बड़ा था कि उन्होंने एक बैकवर्ड नेता और गंभीर नेता को खेल से बाहर कर दिया। और ममता बनर्जी नहीं, सोचिए ममता बनर्जी ने क्या किया, नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर उन्होंने आरोप टांग अड़ाया, रोका उसको, उनका वीटो था और खुद भी वो गठबंधन में नहीं लड़ी। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ी है, वहां कांग्रेस अलग लड़ा है, ममता बनर्जी अलग लड़ी है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी ने यूपी में ममता बनर्जी के लिए एक सीट छोड़ा, क्या ममता बनर्जी ने उनके लिए कोई सीट छोड़ा? उसके बाद सोचिए अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन में रहने के बावजूद पंजाब में कांग्रेस अलग लड़ी और आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, तो ये बी टीम नहीं है। आप सोचिए, ये जो तमाम रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा और संजय शर्मा जैसे लोग जो दिन भर बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, ये बात नहीं बताएंगे। इसके बाद भी सोचिए, उसके बाद भी नीतीश कुमार को लगातार ह्यूमिलिएट किया गया, तीसरी बैठक तक वो रहे, पटना में बैठक हुई, मुंबई में बैठक हुई,
उसके बाद दिल्ली में बैठक हुई और जानबूझकर नीतीश कुमार को ह्यूमिलिएट किया गया। और सोचिए नीतीश कुमार के आने से क्या होता, नीतीश कुमार के आने से होता कि बिहार ही नहीं, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन तमाम जगहों पर इंडिया गठबंधन जीती। और वो छोड़ दीजिए, आप कल्पना कीजिए कि अगर 25 सीटें और बिहार में अगर इंडिया गठबंधन को आता तो आज प्रधानमंत्री कौन होता। अरे बाद में अरंगा लगा लेते। तो मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी ने तय किया कि प्रधानमंत्री या तो नरेंद्र मोदी बने या मैं बनूं, बीच में किसी के लिए स्पेस नहीं है। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि खुद खड़गे साहब चाहते थे कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय संयोजक घोषित किया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी नहीं चाहती थी। हाँ, इसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की कोई भारी गलती नहीं है, हेमंत सोरेन की भारी गलती नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर सबकी सहमति थी। बाद में एक अफवाह जरूर फैलाया गया कि लालू यादव जी ने अरंगा लगाया है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आज अगर नरेंद्र मोदी तिवारा प्रधानमंत्री हैं इस देश के, खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों सुन लीजिए, SC ST OBC के लोगों सुन लीजिए, आज अगर इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव प्रधानमंत्री हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है राहुल गांधी। और इसका एक बैक कांग्रेस का इतिहास रहा है। सोचिए, जब पहली बार जनता दल की इस देश में सरकार बनी, इंदिरा गांधी, नेहरू लगातार जीतते रहे, इंदिरा गांधी जीतती रही, इमरजेंसी लगाना पड़ा, और जब उनकी पार्टी हार गई, उस समय प्रधानमंत्री बनने वाले थे जगजीवन बाबू या चौधरी चरण सिंह, लेकिन कांग्रेस ने नहीं बनने दिया और मोरारजी देसाई बने, और बाद में जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। देश में दूसरी बार मौका आया जब इस देश को कोई ओबीसी पीएम मिलने वाला था, चाहे वो शरद यादव हो सकते थे, देवीलाल हो सकते थे, उस समय भी राजीव गांधी ने बैठकर तय किया और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। खैर, विश्वनाथ प्रताप सिंह क्षत्रिय समाज के हैं और उनमें न्याय भावना थी, और उन्होंने न्याय देते हुए मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की। उसके बाद भी तब बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, लेकिन इस बार बड़ा मौका था। दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक एकजुट हो रहे थे और नीतीश कुमार की कोशिश थी कि सब लोगों को एक साथ लाया जाए, लेकिन राहुल गांधी की अपनी आकांक्षा ने। और सोचिए, मैंने कल भी कहा है, कल एक बीजेपी के दलित सांसद जो 8वीं बार चुनाव जीते हैं कर्नाटक से, उन्होंने कहा कि मुझे क्यों नहीं मंत्री बनाया गया, सिर्फ सवर्ण मंत्री क्यों होते हैं। सोचिए, राहुल गांधी की पार्टी में सबसे ज्यादा बार चुनाव जीत के आने वाले सुरेश नाम है उनका, केरल से हैं, वो दलित समाज से हैं। उनको ओम बिरला के सामने चुनाव लड़ाया गया स्पीकर पद के लिए, ये जानते हुए कि इनके पास बहुमत नहीं है, लेकिन जैसे ही अपोजिशन के नेता बनने की बात आई, राहुल गांधी अपोजिशन के नेता बन गए। गप, मतलब चुनाव लड़ना है, अब बहुमत नहीं है तो शेड्यूल कास्ट का सांसद लड़ेगा, अगर आप अपोजिशन का नेता बनना है तो राहुल गांधी बनेंगे। इतना ही नहीं, जो शख्स दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, जाति जनगणना, संविधान की बात कर रहा था, जब अपोजिशन के नेता बनने के बाद पहला भाषण हिंदू मुस्लिम, क्या जरूरत थी संसद में? आप जाति जनगणना का मुद्दा उठाते, आरक्षण 65% कैप उठाते, बिहार में आरक्षण पर रोक लगे उस पर कैप उठाते। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, बीजेपी और कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और नरेंद्र मोदी को लाने में अगर किसी नेता का हाथ है तो वो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस। दरअसल कांग्रेस की बिल्कुल साफ राय है कि या तो सत्ता में हम आए या बीजेपी रहे, और अगर कोई आदमी है जो इस बात को काट दे तो मैं चैलेंज करता हूं कि वो बताए कि नीतीश कुमार की राह में रोड़ा किसने अटकाया, लालू यादव ने,
अखिलेश यादव ने, हेमंत सोरेन ने, खड़गे जी ने, या ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने? और वही ममता बनर्जी नहीं लड़ी, उनको अकेले चुनाव लड़े, उनको कोई बी टीम नहीं कहता है। अरविंद केजरीवाल अकेले चुनाव लड़े, उनको बी टीम नहीं कहा जाएगा। और साफ साफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को नहीं बुलाया गया मीटिंग में, बयान तक दिलवा दिया गया कि हमने उनको बुलाया ही नहीं है, और उनको बी टीम कहा जा रहा है। तो अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैं, तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा आपको राहुल गांधी को। और सोचिए, अपने अपने होते हैं, जब पहला दिन राहुल गांधी ने हिंदू मुस्लिम से शुरुआत की, तब चंद्रशेखर आजाद, चूंकि बीएसपी का कोई सांसद नहीं है, तो चंद्रशेखर आजाद ने मोर्चा संभाला और दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के संवैधानिक अधिकार की बात की, और बाद में अखिलेश यादव ने बात की, और तीसरे नंबर पर आरजेडी के सांसद रहे जो कुशवाहा समाज से हैं, उन्होंने बात की। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पत्रकार का काम होता है सच बोला। जब हम लोग 10 साल नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते रहे तो कांग्रेस को बकस देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में पिछले 10 साल में जितनी पॉलिटिकल डाइवर्सिटी आई है, इतने कांग्रेस के 60 साल में नहीं आया। और कांग्रेस के यूपीए 2 को जब मौका मिला, तो आईएएस के एग्जाम, नीट का, आज जो ये नीट का लफड़ा है, ये सब कपिल सिब्बल का दिया हुआ है, प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम का, ग्रीन हंट पी चिदम्बरम, ईडी इनकम टैक्स को इस तरह से नाखून दिया पी चिदम्बरम ने, और नरेंद्र मोदी अमित शाह पर जब आरोप लगे तो केंद्र में किनकी सरकार थी? तो ये बात समझना पड़ेगा और लोगों को समझना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे कांग्रेस के दौर में हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में मनुवाद के खिलाफ सबसे तेज हुई है लड़ाई सोशल मीडिया की वजह से। कांग्रेस तो वो ग्रीन स्नैक थी जो डस्ती थी और पता भी नहीं चलता था। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाने में सबसे बड़ी भूमिका कौन है, किसकी है? और जो लोग आज कह रहे हैं नीतीश कुमार और नायडू, तो भैया नीतीश कुमार जी को किन लोगों ने ह्यूमिलिएट किया? अगर नीतीश कुमार की बात मान ली जाती तो आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने में 3 लोगों की भूमिका है, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।